शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या नाम बताया? सुनील नाहटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू। लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे साथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना, समझे? रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे? मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल? पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? गिरवी क्या रखा है? मारू। मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने बिजनेस करने की क्या सोची, उन्होंने तो कर्जा देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो ब्याज पे ले लो। हाँ, लेकिन हर हफ्ते ब्याज देना पड़ेगा। उसकी फिक्र क्या दीदी, धंधे का पैसा बरसने लगेगा तब तक। दो चार छींटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हट जरा। दीदी वो हमारी इतनी मदद कर रहे, जरा अपने हाथों से मिठाई दे देना प्लीज। 2 किलो की है, सोने का वर्क है। अच्छा? हाँ। पहले तो मिठाइयाँ चांदी के वर्क में हुआ करती थी। अपने हाथों से मिठाई उन्हें देना और उनसे पैसे लेके हमें देना आशीर्वाद के साथ, उसी के लिए तो हम यहाँ आए। डोर आ गया, चलो चलो। आ गया हरामी। नमस्ते। आइए। घर तो अच्छा है, सामान इनका है या भाड़े पे लाए? इनका अपना है मामा जी। आप बैठी ना, बैठी ना, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी दीदी। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे हैं। दोस्त, ये और वो, तीनों दोस्त। रोकड़े लाया हूँ, ब्याज देना पड़ेगा हर हफ्ते पूरे 10%। जिस दिन ब्याज चुके उस दिन सोना गायब। दीदी ये मामा जी, मामा जी ये दीदी जी। नमस्ते जी। आप बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच। खुशी तो मुझे भी है, ब्याज जो लेने वाला हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दीदी दीजिए ना, बॉक्स दीजिए। लीजिए ना। अच्छा अच्छा, कितना है? दो किलो। 2 किलो सोने का है ना? हाँ हाँ, वर्क सोने का वर्क। हाँ, सोने का ही है, आजकल चांदी का जमाना तो गया। थैंक यू। ये लो, ये आप अपने पास रखिए ना, आप कॉफी ले आइए ना मामा जी के लिए प्लीज। पंकज आप ले आइए ना, आप रखिए कॉफी। कहाँ है? आजा। अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या चेहरा? दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बायनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार? हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। मां कसम, वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है? बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं, ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 बाहर निकलो, बारो। चौथा कहाँ है? आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है, आज पैसे देंगे कल अमीर हो जाएंगे, हैं? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी मेरे 4 आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे कुल्ले लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहाँ तो जंग चल रही है। हाँ। सारी इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर, मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई किधर? एक मिनट। अबे अबे अपना।
मुझे भी देखना है। मारू रुकना। होगा मेरे सर पे जब मैंने तुम्हें घर दिया, ना दिन में चैन ना रात में शांति। अबे निकम्मो, खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते, लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टटरा रहे कान में कब से, अगर दांत पे दांत पजने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो चढ़ने दे मेरे को, मुझे भी तो चढ़ना है। उतर क्यों क्यों बोला ना, उतर अभी तेरी जाऊँगा यहाँ से। क्या करना, एंट्री लास्ट और यहाँ फर्स्ट, नीचे उतर। क्यों यार बोला ना, उतर। सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, पहले हम देखेंगे बाद में तुम। चाय क्या? झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू, तेरे को कसम है उसका नाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापिस आ जाना। हाँ, माँ की आंख आधा हम देखेंगे। हाँ, तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना, अरे इतनी देर साले अब तक आया क्यों नहीं हरामे? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी, खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में एक लाश। बैठ गया। जिसके चार हाथ हैं, लड़की की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं, कुछ तो हुआ है, साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से। चल यार, उसने मुझे देखा। ए, नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हाँ, तो क्या तुझे देखा, क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती, चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, चार नहीं तीन। चलो तीन नहीं दो नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं, लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रही है। क्या? का, 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 अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपरहिट फॉर्मूला है मेरे पास।
अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है। लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ, तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। चिल्ला मत, गोटे ही लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर पहले पानी तो डाल, आगे चल रही है मेरी। ला 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 पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। अबे छाती नहीं, आगे चल रही है कुत्ते। चुप ना, चुप ना, तू इतना ऊंचे है। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों मुसीबत आते ही पेंधे को पैर ला के भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है। हाँ बोल रहा है, ऐसे करके। तो मेरी गला भर चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलकर जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू भुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे? क्यों? तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, हाँ। द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हाँ। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूंगा शादी उससे। शादी करेगा साला। कल से जल्दी उठना, आज थोड़ी देर हो गई। चलो चलो चलो, जल्दी करते हैं, चलो निकलते हैं। तुम अपनी जॉगिंग शुरू करो, मैं अपनी हल्की सी कसरत कर लेता हूँ। बड़ा गाड़ी निकाल रहा है, लगता है गाड़ी बिगड़ गई। हमारे होते हुए बेचारा बूढ़ा अकेला धक्का मार रहा है। ए, चलो चलो चलो, ए मक्खी हटाने के बहाने घी के बर्तन में हाथ डाल देते। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी चलो, इससे पहले गाड़ी चल पड़े हम लोग। हाँ, हाँ, चलो 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 चलो। दादाजी आप टेंशन मत लो, हम लोग आ गए, हम लोग धक्का लगाते हैं, आप पहले लो। अरे थोड़ी तू भी धक्का मार यार। अरे अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? गोटी कल्टी मार।
अरे मेरी गाड़ी, सुअर की औलाद। तू वहां पे जा, तू वहां, तू इस तरफ। एक्सक्यूज मी। यस। ये वीसीडी किसके नाम पर दी गई थी आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी। ओ, आप ये मेंबरशिप बंद कर दीजिए, कुछ पेमेंट बाकी हो तो बताइए। आप राहुल को जानते थे या फिर उसके किसी दोस्त को? नहीं। स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। यहाँ एक बॉक्सिंग क्लब है, स्टर्लिंग क्लब, शायद वहाँ आपको जानकारी मिले उनकी। वहाँ उनका दोस्त भी कोई मिल जाएगा आपको। अच्छा, थैंक यू। मगर आप? मैं राहुल की छोटी बहन ऋतु त्रिपाठी। जी। पक्या, इधर आ। क्या हुआ? दिखी तुझे? क्या हुआ? हाँ हाँ, चल 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 चल। साला, दुनिया की सारी माल लड़कियों के भाई लुंगी में घूम रहे, एक इसी के भाई को बॉक्सिंग चैंपियन होना था। चलता है यार, देख थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ेगा ना। तू चुप, तू चुप। हाँ बोल बोल, क्या बोलिए? आधे घंटे से घूम रहे हैं, बताना बताना क्या हुआ, बात क्या हुई, बताना बताना। उसने काउंटर पे अपना नाम बोला। बोलना बोलना, नाम क्या उसका? बोलना। ऋतु। वाह क्या बात है, ऋतु पंकज तिवारी, क्या जबरदस्त मैच है। जबरदस्ती का मैच है, है? बात तो इसमें ऋतु गौतम सिसोडिया कैसा लगा? छी, सब बकवास है, सिस्किया विस्किया सब गंदा है। ये देखना, ऋतु समीर आर्या, ऐसा लगता है जैसे दो अधूरे नाम जोड़कर एक पूरा बना है। कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसा लगता है? ऋतु मार्तन ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे। ऐसा लगता है ड्रम में बंदर कूद रहे। ए, देख देख देख, ऋतु की गाड़ी में कोई कांडी कर रहा है। चल हवा बनाते चल। वो तो रेडीमेड होती है। अरे ऋतु के दिल में अपनी हवा बनाते चल। हाँ, हाँ, हाँ। क्या कर रहा है बे साले? हाँ क्या है, क्या है? को हवा निकालने का बहुत शौक है, हम लोग भी जानते नहीं हो। हाँ साले, तो मक्कारी ऊपर से दादागिरी तेरी तो। मारता क्यों है? मारता क्यों है? ले साले को मार, मारो साले को। क्या कर रहा है? मार क्यों रहे हो? सही कह रहे, सही कह रहे, अभी मत मारो, अभी मत मारो। ऋतु को आने दो, फिर मारेंगे। उसको भी तो पता चला हम लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही बात है ना। तू जा, तू जा, तू जाके देख आ रही है कि नहीं। देखो ये आ रही है, मारना शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो, जमा देंगे ऋतु के साथ। मारे होते हैं, हवा निकाल दे तेरी। हवा भर, चल चल, हवा भर इससे। साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है, मारो साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है। कहानी ये नहीं, गोटी कल्टी मार। अबे यार, ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बुआ रही है। हाँ यार, ऋतु भी नहीं आई अब तक। दो और दो मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगू शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। तुमने जगह क्यों बदली अचानक मिलने की? नहीं वैसे तो अच्छी थी वो जगह, लेकिन अचानक कुछ हुड़दंडी मंडराने लगी। बोलो क्या लो? तुम बोलो। कोल्ड कॉफी, एक कोल्ड कॉफी आइसक्रीम के साथ और एक ग्लास पानी के साथ। अरे कुछ तो लो। नहीं मेरा आज उपवास है। थैंक यू। उपवास किस लिए? नहीं वो हम जैसे मर्द मानते हैं कि गुरुवार के दिन अगर हम उपवास रखें तो हमें एक सुशील कन्या मिल सकती है। अच्छा। अरे देख देख, ये वही कमीना है, मुझे उस दिन पीटने वाला। क्या हुआ? चलो कल्टी मारते हैं। क्यों? नहीं ये जगह ठीक नहीं। पर अभी अभी तुमने कहा कि ये क्लासिक जगह है। गर्मी गर्मी बहुत बढ़ गई है और ये टैन तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते। पर ये जो कोल्ड कॉफी हमने, नहीं वो कॉफी कैंसिल। क्यों बे, मुझे देखते ही सुई चुप गई नीचे। आप क्या बे साले, लोगों से टायर में बड़ी फूफू की हवा भराता है। आपको
कौन सज्जन है? मैं आपको जानता नहीं। लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे कैसे? कहाँ गए बाकी के लफंगे सारे? कौन कहाँ किसकी बात कर रहे हो भाई साहब? इसकी शक्ल देख के लगता है कि हम जैसे 50 के बेवकूफ बना चुका है। देख देख रितु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे पकिया इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। ए, संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढंबे। अबे क्या कर रहा है धत पे मार साले के, बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में निकला। तू तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लोंडों के सामने दम तोड़ दिया। यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। क्योंकि मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम ऋतु हो? बहुत अच्छा। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया तू। परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया। ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। हाय। अच्छा वो आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ने बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो मुझे याद है। हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ वही तो मुसीबत की जड़ थी, ये हिंदू वो क्रिश्चियन। सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठाकर उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। मत रो, आजा मेरे साथ। ऐसा ही मत रो, आजा मेरे साथ, मेरे साथ तू मत रो, मत रो, मत रो, मत रो मेरे भाई। अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। Thank you.
जाए? आप? सोफी, मुझे नहीं जानते? पानी पानी हो रहे हो शर्म से, क्यों? पानी? पसीना होगा। चलो ना गप्पे लड़ाते हैं, बैठिए ना। नहीं बताइए ना, आप कौन है? आप राहुल को तो जानते हैं ना? तुम्हारा जिगरी दोस्त राहुल, और मुझे नहीं जानते? मेरी राहुल से शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। याद आया कुछ? All right. अरे तुम तो घुसती चली आ रही हो, हमें कोई साबुन चाय पत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। चल फूटो यहाँ से, चल फूटो यहाँ से, हमें कोई सोफा सुपी खटिया खट्टू खट्टू है। रितु सच में हम बहुत सच सुन चुकी तुम्हारे, मगर रितु हम लोग तो बताने ही वाले। शट अप, नाम मत लो मेरा, तुम्हारी सबकी आवाज मुझे डसती है, घिन आती है मुझे तुम सबके नाम से और चेहरे से। दुख ये नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, पर मैंने कैसे विश्वास कर लिया तुम जैसे लफंगों पे? मूर्ख तितली जैसे अपने आप ही जाल में आ फंसी। मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा बड़े धोखेबाज नहीं देखे। अरे शर्म आनी चाहिए थी इतना घिनौना फरेब करते हुए। गंदे गटर के कीड़ों से भी गंदे निकले तुम दोस्त मेरे। अरे कचरे के ढेर में लेटे हुए शराबी को भी तुमसे ज्यादा वजूद होगा। और हाँ, ये सोचने की जरूरत भी मत करना कि मैं रोज होके तुम्हें माफ कर दूंगी। रितु, वो हमारी जूता उठा के मारूंगी अगर मुंह खोला तो। अब ये सारी सफाई पुलिस स्टेशन में देना। पुलिस स्टेशन? मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। मेरा नाम ज़िकोमो है, इंस्पेक्टर ज़िकोमो। अरे इतनी जल्दी? वो अभी तो गई। हाँ, अभी तो गई। कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों से? जानकारी हम लोग? देखिए इंस्पेक्टर, हम सच बोल रहे हैं। वो सच बोलना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ नहीं थाने में। चलो